सत श्री अकाल। कर लो सेहत मुट्ठी विच, इस दे अंतर्गत आपां सेहत बारे विचार करदे हां। इह सेहत नूं ठीक रखना मनुख दे अपने हथ विच है, पर साडा जीवन शैली, रहन सहन दा ढंग ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ तीन प्रकार की सेहत के उत्ते भी रोशनी पाई कि एक तो है बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो। उस नालों अच्छा की है, प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। इलाज तो परहेज ही अच्छा, पहला खाइए फिर डॉक्टर के पास जाइए। मेरी लंबी जिंदगी दे विच मैं देखिया है कि जिस चीज़ का परहेज होना चाहिए लोग नहीं करते, वो उन्हें नुकसान करते। साडा शरीर हीरे दे समान है, पर असी इस दी हिफाजत नहीं करते। अज मैं गल कर दांगा साढ़े पंजाब की। साढ़े भारत में तो सोने की चिड़िया कहा जाता सी, पर पंजाब नूं मैं एक डायमंड ही कहांगा कि उस तो भी हसदा खेलदा गाउंदा पंजाब, पर अज वो किसी ग्रिप च आ चुके हैं। दो चीज़ां साड़ी सरकार ने मंजूर तो कीतियां हैं, पर कई जगह ते उन्हां दी मनाही भी कीती है। वो कौन हन? एक शराब, एक तंबाकू, सिगरेट नोशी, बीड़ी, खैनी, गुटका। ये तंबाकू 500 वर्ष तो भारत दे विच आया, अकबर दा टाइम सी। पहला ये मन्या जांदा सी कि कुछ लोग कहते सी हुक्का पानी की सांझ ब्राह्मण कुल दे विच सी और इहदा परहेज सिखिज़म दे विच बिल्कुल ही नहीं सी। मैंने एक गल याद आती है कि गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी जो जा रहे सी, उन्हां दा घोड़ा रुक गया। उन्होंने देखा भी घोड़ा क्यों रुकया, वो कहते जी अगे एक खेत है वो तंबाकू बीजा हो तो घोड़ा तंबाकू दे खेत विच नहीं गया। तो देखो एक जानवर नू समझ सी, पर अज आपां नू समझ खत्म हो गई। पहला मैं तंबाकू उत्ते थोड़ा जा रोशनी पाना कि तंबाकू अज इस तरह के रूप धारण कर चुका है कि जिदे विच वड्डे तो वड्डे रोग भी आ रहे हैं। मूँह का कैंसर, जीव का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हार्ट दियाँ तीन छोटियाँ नालियाँ जिन्हां आर्टरीज कहा जाता है, जो ऑक्सीजन साढ़े हार्ट के मसल नूं दिंदियां हन, उन्हां दे उत्ते बहुत बुरा प्रभाव, बहुत बुरा असर। तो असी अज देखिए
कि इन्हां चीज़ां तो असीं बच सकते हैं। तंबाकू दे विच 400 किस्म दी पॉइजनस कैमिकल्स हैं जिहड़े साढ़े शरीर के उत्ते गलत असर करते हैं। इहदे विच टारकोट है, टारकोल, टारकोल माना लुक जिहड़ी सड़कां ते पाई जाती, साइरेट, निकोटीन। निकोटीन नूं जिहड़ियां दवाइयां आपां खेतां विच स्प्रे करदे हां उहदे विच वी मिलाया जांदा है, पर निकोटीन कादे कारण ही असीं सिगरट जा बीड़ी लेंदे हाँ, निकोटीन दी अडिक्शन हो जाती है। 8 सैकंड के अंदर ये साढ़े ब्रेन पर असर करती है। अज असी आम ही देखते हाँ कि खैनी का प्रयोग, गुटके का प्रयोग, अच्छे तो अच्छे गुटके का प्रयोग, केसर युक्त गुटका जिहड़ा बहुत कॉस्टली है और उन्हों भी अच्छे अच्छे लोग यूज करते हैं। मैं दिल्ली तो कलकत्ता तक एक रैली विच गया सी। उस रैली दे विच दो चीज़ां रखियां सीगियां, तंबाकू और अल्कोहल। तंबाकू दे बारे असी दस्या सी कि बाहर दियां जिहड़ियां कंपनियां है वह इंडिया बना रही हैं। तुसीं हैरान होवोगे कि अज 25 वर्ष तो 15 वर्ष तो 25 वर्ष के अंदर अंदर दे 90% युवा अज ये नशे करते हैं। वह होर भी कई नशे करते, गोलियां का नशा भी है, हैरोइन का नशा भी है, ब्राउन शुगर है और सुल्फा है। ये सारिया चीज़ा नुकसानदायक है, पर क्यों लैने हैं, क्यों लैने हैं? मन में शांति नहीं है, एक टेंपरेरी शांति है। इस वास्ते जो ये साढ़े हार्ट दियां नाड़ियां दे उपर असर कर दियां हन, अचानक सानू गुस्सा आ जाता है, अगर जोश आ जाता है तो साड़ी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, उन्हें असी एंजिना पैक्टोरस जा उन्हें हार्ट अटैक किया जाता। जे उसका इलाज ना किया जाए तो बीमार की मृत्यु हो सकती है। तो दूजी चीज़ यह है कि उसका असर साढ़े पेट के उत्ते भी जाता है, जो धुआं असी लै रहे। एक होर वड्डी गल मैं तुहानू दसना, वो ये है कि जो व्यक्ति घर दे विच नशा करता है, चेन स्मोकर है और उसके परिवार के चार मैंबर है और वह जिहड़ा धुआं निकलता है तंबाकू उहदे विच उहदी जिहड़ी गैस है, वह जिहड़ी परिवार के मैंबर है वह उहनां दे साह लैण दे कारण अंदर जांदी, वह होर भी खतरनाक है। उहनां नूं पैसिव स्मोकर कहा जाता है, वह एक्टिव स्मोकर पीते हैगे। और मैं अपने जीवन विच का देखा है कि जिहड़ा चेन स्मोकर सीगा उन्हें मैं कई बार रोकिया, मैं कहा खतरा है, पर 11 बजे उसनों अचानक हार्ट अटैक आया और 1 घंटे के अंदर अंदर की मौत हो गई। जे अज असी इस चीज़ को सोचिए कि असी इस तो छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल। असी इस की बजाय लौंग, इलायची होर कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते। मनुष्य वास्ते कोई चीज़ छड़नी मुश्किल नहीं है। इस वास्ते इस बीमारी तो मुक्त होने वास्ते अज देखा गया है कि जिन्नियां मौतां अज तंबाकू नाल हो रही हैं, होर कई बीमारियों के नाल घट हो रही। दूजी चीज़ आप लैने अज शराब, शराब नू अच्छे अच्छे लोग ईवन इतों तक के डॉक्टर भी अपने पेशेंट नू एडवाइज कर देंगे हैं कि उन्हें अच्छी नींद आवे, उसका डाइजेशन अच्छा हो।
पर रिसर्च विच ये गल आई है कि यह शराब थोड़ी लैनी या बहुती लैनी ये साढ़े सिस्टम वास्ते खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम वास्ते खराब है, पाचन क्रिया वास्ते खराब है। किनिया चीज़ा पहला मेदे ते असर करती है, तेजाबी मादा वाधा आ जाता है, अलसर बन जाता है, फिर अगे आंतड़िया दे उत्ते असर करती है। और दूसरी चीज यह है कि जिसी समाज वल जाइए तो जगह जगह ते लिखा हुआ है कि शराब पी के गड्डी ना चलाओ। जदों असी गड्डी चलाने हैं कंट्रोल तो बाहर हो जाने, क्योंकि शराब जो है साढ़े ब्रेन के हायर सेंटर के उत्ते इफेक्ट करती, साड़ी याददाश्त के उत्ते इफेक्ट करती। जो लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी जी शराब लैके नींद अच्छी होगी है, पर जे जरा दो अंश शराब लैन वाला है वह दो अंश तक टिकता नहीं है, वह फिर बढ़ जाता है। इस तरह ही असी देखते हाँ कि दिन प्रतिदिन लोग इस आदि बनते जाते हैं और कई वर्षा तो मगरों उन्होंने वास्ते एक मजबूरी हो जाती है, समझ गए। और इस चीज़ के नाल साढ़े ब्रेन के उत्ते मस्तक के उत्ते बहुत गहरा असर होता है, पहला नींद आती है तो मगरों नींद बंद हो जाती है। इस वास्ते क्योंकि जड़े ब्रेन के सैल हैं वो आप मानसिक हैल्थ के अंदर लवेंगे कि मैंटल हैल्थ की चीज़ चीज़ है, वो किस तरह साढ़े शरीर नाल कनैक्टड है। जिस तरह कहने कि ना सुख विच संसार दे ना सुख छड गया, सुखता सिर्फ विच विचार दे। आप अगले चैप्टर विच लवेंगे कि विचार चीज की है, जिन्हां नूं असीं अज तक अटेंशन नहीं दिती, ध्यान नहीं दिता, पर ओह विचार सानू साडे अपने ही विचार सानू डाउन कर देंदे हन, साडे अपने ही विचार साडी परसनैलिटी नूं बना देंदे हन। यह परसनैलिटी इस तरह है जिस तरह एक पानी दे विच बर्फ का ढेला 10% नज़र आता है, बाकी पानी दे थले। इस तरह ही साड़ी याददाश्त भी सिर्फ थोड़ी 5% है, बाकी साढ़े नीचे दे लेवल च रहिंदी। तां मैं ये दो चीज़ां उच्च रोशनी पाई है, मेरा विचार है और शुभ भावना है कि यह तुसी अपने जीवन विच जरूर लाओगे, इस तो छुटकारा पाओगे, जीवन सुखी हो जाए। सत श्री अकाल।